हेलो एवरीवन वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट आज के इस वीडियो में मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन का एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर वन है द सेल स्प्लिटिंग इज डन एज पर ट्रैफिक डिमांड एवलेबल इन द सेल इज नॉन एज इसको हम लोग क्या कहते हैं तो डायनेमिक सेल स्प्लिटिंग बोलते हैं कह रहा है सेल स्प्लिटिंग इज डन एज पर ट्रैफिक डिमांड ट्रैफिक डिमांड के हिसाब से जो है सेल स्प्लिटिंग किया जाता है जो सेल अवेलेबल रहता है उसको हम लोग डायनेमिक सेल स्प्लिटिंग बोलते हैं ऑप्शन वन का बी हो जाएगा वन का बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू की ओर चलते हैं क्या कह रहा है द कैपेसिटी ऑफ स्विचिंग सिस्टम इन सेलुलर सिस्टम इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कह रहा है कैपेसिटी ऑफ स्विचिंग सिस्टम स्विचिंग सिस्टम का जो कैपेसिटी है सेलुलर सिस्टम में वो किस पे बेस्ड होता है तो प्रोसेसर कैपेसिटी पे बेस्ट होता है प्रोसेसर कैपेसिटी पे ऑप्शन टू का डी हो जाएगा प्रोसेसर कैपेसिटी क्वेश्चन नंबर थ्री की ओर चलते हैं कह रहा है द मैक्रो एंड माइक्रो सेल्स आर एवेलेबल इन मैक्रो मैक्रो सेल और माइक्रो सेल जो है किस में होता है तो अम्ब्रेला सेल पैटर्न में मैक्रो और माइक्रो सेल एवेलेबल होता है ऑप्शन क्या हो जाएगा थ्री का डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर है इंटरफेरेंस इन नेबरिंग सेल्स इज रिड्यूस्ड बाय नेबर मतलब बगल का जो सेल में इंटरफेरेंस होगा उसको कैसे रिड्यूस किया जाता है तो एंटीना को टिल्ट करके एंटीना टिल्टिंग से इंटरफेरेंस को जो नेबर सेल है उसका इंटरफेरेंस को रिड्यूस किया जाता है तो फोर का ए हो जाएगा एंटीना टिल्टिंग क्वेश्चन नंबर फाइव की ओर चलते हैं क्या कह रहा है वेन द मोबाइल मूव फ्रॉम ओरिजिनल सेल टू द न्यू सेल एंड द कॉल इन प्रोग्रेस हैज़ टू बी कंटिन्यू स्मूथली इट इज़ नोन एज कह रहा है जब मोबाइल को जो है ओरिजिनल सेल से न्यू सेल में मूव किया जाता है और कॉल जो है कंटिन्यूसली स्मूथली जो है प्रोग्रेस में रहता है तो उसको क्या बोला जाता है तो उस टेक्निक को हैंड ऑफ टेक्निक बोला जाता है हैंड ऑफ टेक्निक फाइव का बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर चलते हैं क्या कह रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटिंग सेम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज सेम फ्रीक्वेंसी को रिपीट करने का जो है आ, कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है तो सेम फ्रीक्वेंसी को रिपीट करने के प्रोसेस को कॉन्सेप्ट uh, को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी रीयूज से कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटिंग सेम फ्रीक्वेंसी को रिपीट करने के कॉन्सेप्ट को फ्रीक्वेंसी री बोलते हैं एंड द सेल्स यूजिंग सेम फ्रीक्वेंसी इज एज और इसमें जो सेल्स यूज किया जाता है सेम फ्रीक्वेंसी पे उसको हम लोग को को चैनल सेल बोलते हैं को चैनल सेल ऑप्शन सी हो जाएगा सिक्स का सी क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर चलते हैं क्या कह रहा है द मेन कंपोनेंट ऑफ ए सेटेलाइट डज नॉट कंसिस्ट ऑफ सेटेलाइट में कौन सा मेन कंपोनेंट नहीं होता है तो सेटेलाइट में एंटीना होता है ट्रांसपोंडर होता है रिसीवर होता है क्या नहीं होता है तो ऑर्बिट नहीं होता है ऑप्शन डी हो जाएगा सेवन का डी क्वेश्चन नंबर एट है लाइफाई स्टैंड फोर लाइफाई का फुल फॉर्म क्या होता है तो लाइट फीडिलिटी होता है लाइट फिडिलिटी एट का ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर चलते हैं क्या कह रहा है लाइफाई इज वन ऑफ द वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी किस तरह का नेटवर्किंग है तो ऑप्टिकल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है लाइफाई क्या है लाइफाई का फुल फॉर्म होता है लाइट फीडिलिटी जो क्या है ऑप्टिकल नेटवर्किंग है ठीक है ना ये वायरलेस नेटवर्किंग है किस तरह का वायरलेस है तो ऑप्टिकल नेटवर्किंग है नाइन का बी हो जाएगा ऑप्टिकल नेटवर्किंग क्वेश्चन नंबर टेन की ओर चलते हैं क्या कह रहा है हु वाज द फर्स्ट ऑपरेटर इन द वर्ल्ड टू कॉमर्शियली लॉन्च फोर जी कह रहा है फोर्थ जनरेशन फोर जी को लॉन्च करने वाला सबसे पहला ऑपरेटर कौन है वर्ल्ड का ठीक है तो ये है तेलिया सुनेरा तेलिया सुनेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा टेन का ए हो जाएगा टेलिया सुनेरा क्वेश्चन नंबर इलेवन है आई डी एम ए स्टैंड फोर आई डी एम ए का फुल फॉर्म क्या होता है इंटरलीव डिवीजन मल्टीपल एक्सेस क्या होता है फुल फॉर्म इंटरलीव डिवीजन मल्टीपल एक्सेस ऑप्शन क्या हो जाएगा इलेवन का बी हो जाएगा इलेवन का बी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की ओर चलते हैं क्या कह रहा है विच मल्टीपल एक्सेस टेक्निक इज यूज इन फाइव जी फाइव जी में कौन सा टेक्निक जो है यूज होने वाला है ओ एफ डी एम ए यूज होने वाला है कौन सा ओ एफ डी एम ए ऑप्शन क्या हो जाएगा ट्वेल्व का सी हो जाएगा ओ एफ डी एम ए क्वेश्चन नंबर थर्टीन है रैक रिसीवर इज ऑल्सो नोन एज रैक रिसीवर को और किस नाम से जाना जाता है तो डाइवर्सिटी रिसीवर भी बोला जाता है रैक रिसीवर को डाइवर्सिटी रिसीवर भी बोला जाता है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन है रैक रिसीवर यूजेज ए मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी इज करा रैक रैक रिसीवर यूजेज मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी जो मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी यूज करता है रैक रिसीवर उसका क्या नाम है तो वो है टी डी एम ए टाइम डिविजन मल्टीपल एक्सेस टी डी एम ए का यूज़ करता है फोर्टीन का ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की ओर चलते हैं कह रहा है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस आई एस आई इंटरफेरेंस डिस्टॉर्शन इज रिमूव बाय वन मेथड कह रहा है इंटर सिंबल इंटरफेरेंस जो है कौन सा मेथड से रिमूव किया जाता है तो इक्विलाइजर से रिमूव किया जाता है इक्विलाइजर फिफ्टीन का सी हो जाएगा इक्विलाइजर क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है क्या कह रहा है विच वन इज नॉट रेडियो प्रोपोगेशन मैकेनिज्म कह रहा है इसमें से कौन सा रेडियो प्रोपोगेशन मैकेनिज्म नहीं है तो रिफ्लेक्शन जो है रेडियो प्रोपोगेशन मैकेनिज्म है डिफ्लैक्शन uh, भी रेडियो प्रोपोगेशन मैकेनिज्म है स्कैटरिंग भी रेडियो प्रोपेशन मैकेनिज्म है रिजोनेंस जो है ये रेडियो प्रोपोशन प्रोपोगेशन मैकेनिज्म नहीं है तो कह रहा है कौन सा नहीं है तो रिजोनेंस ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेवनटीन है इफ आई इज इक्वल टू वन जे इजकल टू टू देन क्लस्टर साइज एन इज इक्वल टू देखिए क्लस्टर साइज आई इजक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस आई जे तो आई स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर तो वन टू का स्क्वायर जे है टू तो टू का स्क्वायर फोर प्लस वन इंटू टू कितना जाएगा एक प्लस चार प्लस दो चार दो छः एक सात ऑप्शन सी हो जाएगा सेवनटीन का सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एटीन है विच सेफ सेल प्रोवाइड इफिशियंट ट्रांसमिशन एंड कवरेज फॉर सेलुलर रेडियो प्ले सेलुलर रेडियो के लिए कौन सा सेप जो है वो इफिशियंट ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है तो हेक्सागोनल कौन सा हेक्सागोनल एटीन का बी हो जाएगा हेक्सागोनल हेक्सागोनल कुछ इस तरह का सेप होता है इसी तरह से सब बना रहता है चलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन की ओर चलते हैं क्या कह रहा है नाइनटीन है फर्स्ट जनरेशन एना लॉ सेलुलर सिस्टम यूजेज वन ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी कह रहा है फर्स्ट जनरेशन एना लॉ सेलुलर सिस्टम वन जी जो है टेक्निक जो है कौन सा मल्टीपल एक्सेस का यूज किया था वन जी में फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया गया था ठीक है तो वो आपसे पूछ रहा है तो एफ डी एम ए का यूज किया था फ्रिक्वेंसी डिविजन मल्टीपल एक्सेस नाइनटीन का सी हो जाएगा एफ डी एम ए का यूज़ किया गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है व्हाट इज़ द नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर सेल फोन सेल फोन के लिए नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज कितना है ये बताना है नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज कितना है 825 मेगाहर्ट्ज से लेके 845 मेगाहर्ट्ज ऑप्शन बी हो जाएगा 825 मेगाहर्ट्ज से 845 मेगाहर्ट्ज 20 का बी हो जाएगा तो इस वीडियो में हम लोग 20 क्वेश्चन को देखें मोबाइल एंड वायरलेस कम्युनिकेशन का आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो Thank you so much.